फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस थाल कवर का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आज हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। अब हम इस थाल कवर के साथ ये फ्लावर अटैच करेंगे। तो पहले एक नॉट बना लेंगे इस तरह से। ये जो बीच में सिंगल क्रोशिया बनाया है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चेन लिए हमने, और यहाँ पर ये हमने यहाँ ऊपर से नहीं उठाना पत्ती की चेन को, ये इसकी बैक साइड पे यहाँ पे जो चेन है इसमें से इसको उठाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, तीन चेन लिए, फिर जो सेंटर में सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन। ये देखिए, या तो आप इस होल, ये देखिए यहाँ पे होल है, या तो होल को पूरा उठा लें, या फिर आप ये जो पीछे चेन है होल के नीचे तो उसको उठाकर आप इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लें। तीन चेन लिए, ये देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था दो पत्ती के सेंटर में, तो एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार बार हमने सेंटर में ज्वाइन किया। उसके बाद हमने तीन चेन लिए, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हमने इसको ज्वाइन करना है इसके साथ, तो एक चेन लेंगे हम। यहाँ पर हमने तीन चेन लिए हैं, अब भी हमने तीन लेनी है, लेकिन हमने पहले एक ली, फिर हम इस साइड से ये चेन को उठा लेंगे और ये लूप को लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। तो पहले हमने एक ली थी, दो अब हम लेंगे, तो ये तीन होगी टोटल। तीन चेन लेकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब फिर हमने दो चेन लेनी है। पहले हमने यहाँ पर एक चेन ली थी, फिर दो ली थी, अब हम पहले दो लेंगे फिर एक लेंगे, तो यहां से दोनों साइड से ये बराबर आएगा, हमारी पत्ती साथ एडजस्ट हो जाएगी अच्छे से। एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में इस तरह से निकाल लिया, इसके बाद हम एक चेन लेंगे, तो यहां पर भी ये दो ली फिर एक ली, एक दो तीन चेन ली हमने। जो फर्स्ट हमने व्हाइट कलर से सिंगल क्रोशिया किया था, वहां पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेकर धागा काट देंगे। तो यहां पर ये इस तरह से पत्ती हमारी ज्वाइन हो गई। पहले हमने एक चेन ली, फिर हमने यहां पर ज्वाइन किया, फिर दो चेन ली, फिर हमने दो चेन ली, ज्वाइन किया, फिर एक ली, दोनों साइड एक एक और सेंटर में दो दो, तो ये तीन तीन हो गई, जैसे हमने सब जगह बनाई है। दूसरा फ्लावर, तो पहले हमने नोट बना ली दूसरे फ्लावर के लिए, उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहां से पहले हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चेन लिए हमने, तीन चेन लेकर यहां पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
तो यहाँ से गिनेंगे एक, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है दो पत्ती के सेंटर में, एक सेंटर में, दो, तीन, चार। तो अब हमने यहाँ पर नहीं बनाना, पहले हमने जब इसको ज्वाइन किया था तो यहाँ तक हमने बनाया था, अब हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया तक बनाया, उसके बाद एक चेन ली। देखिए ये दो पत्तियाँ यहाँ पर ज्वाइन हुई हैं, तो ये वाली पत्ती के साथ हम इसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ऐसे ले लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने एक चेन ली है, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, तो टोटल तीन हो गई। अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमने दो लेनी है, जैसे इधर दो ली है तो इस साइड दो लेंगे, ज्वाइन करने के बाद थर्ड लेंगे। देखिए ये वाली पत्ती के दोनों साइड ये जो लूप है उसी में हमने इसे ज्वाइन करना है। तो दो लिए थे, अब हमने एक ली, तीन हो गई ये भी। एक, दो, तीन चेन लिए हमने, यहाँ पर ज्वाइन किया। देखिए इस तरह से ये हमारी पत्ती, इस पत्ती के सामने ये पत्ती आएगी, फिर एक चेन ली, ये देखिए इसके साथ ये ज्वाइन हो गई। अब ये जो दो पत्तियां हैं यहां पर ज्वाइन करेंगे, तो एक चेन ली हमने, यहां से काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। सिक्स्थ में हमने इसे ज्वाइन करना है, पांच चेन हमने स्किप की, सिक्स्थ में हम इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम दो चेन लेंगे, एक और दो, तो यहां एक ली थी, दो बाद में ली, तीन हो गई ये। अब हमने पहले पहले हमने एक ली फिर दो, अब दो लेंगे फिर एक लेंगे, एक, दो, दो चेन ली हमने, एक चेन छोड़ देंगे, सेकंड चेन में इस तरह से ज्वाइन करेंगे, उसके बाद एक चेन लेंगे, तो ये तीन चेन हो गई टोटल, एक, दो, तीन चेन ली हमने। तो ये इस तरह से ये देखिए आएगा, ये दो पत्ती के ऐसे सेंटर में, ये वाली पत्ती दो पत्ती के सेंटर में नहीं आएगी, ये इस तरह से आएगी पत्ती के सामने पत्ती। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच मैंने चेन स्किप की है। मैं आपको एक और बना के बता देती हूँ, ये देखिए पहले हम एक नोट बना लेंगे, यहां से स्टार्ट किया, एक, दो, तीन चेन, एक, दो, तीन, सिंगल क्रोशिया, तीन चेन लिए, सिंगल क्रोशिया किया, एक, दो, तीन और ये चार हो गए। चार के बाद हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये वाली पत्ती के दोनों साइड जो लूप है, यहाँ से ये दो, ये तीन, तो टोटल ये तीन चेन हो गए। एक और दो चेन ली हमने, फिर एक चेन ली, एक, दो, तीन चेन लिए, इसके बाद एक चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच स्किप करेंगे, सिक्स में हम इसे ज्वाइन करेंगे, एक और दो, तो तीन हो गई ये भी चेन।
फिर हमने दो चेन ली। यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ हमने एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद एक चेन लेंगे। एक दो तीन चेन लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेकर धागा काट देंगे। तो इस तरह से ये हमारे फ्लावर ज्वाइन हो जाएंगे। अब आप देखिए, पहले हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो एक चेन हो गई, फिर एक स्किप करते हैं ये दो हो गई, फिर एक में ज्वाइन करते हैं तो तीन चेन ये हो गई, बीच में हमने एक दो तीन चार पांच चेन हमने बीच में स्किप की हैं। तो एक फ्लावर के पैटर्न को इसके साथ ज्वाइन करने के लिए हमारी पांच ये और तीन ये आठ चेन यूज होती हैं। तो इस हिसाब से आप ये जो आपके पास सारी चेन है आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पफ स्टिच बनाए हैं ये टोटल मेरे पास, इनको हम काउंट करेंगे तो ये 78 है, 78। और हर होल में हमने दो बार ये सिंगल क्रोशिया किया है तो 78 को 78 को हम दो पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 156 होता है। तो 156 चेन है यहाँ पर मेरे पास पूरे राउंड में। अगर मैं यहाँ पर 19 फ्लावर लगाती हूँ तो ये हमने 8 काउंट की है तो 19 फ्लावर लगाती हूँ तो ये मेरी 152 चेन यहाँ पर यूज होंगी। अगर मैं 20 फ्लावर लगाती हूँ तो 160, लेकिन मेरे पास 156 चेन है। वो जो चार चेन है या तो उन्हें मैं कहीं पर एक्स्ट्रा स्किप कर दूंगी या कहीं पर यहाँ पर पांच चेन स्किप करने की जगह पर आप चार चेन स्किप कर दें, तो तीन चार बार आप इस तरह से कम स्किप करेंगे तो चार चेन आपकी एक्स्ट्रा बच जाएंगी और लास्ट में जाकर आपके पास आठ चेन आ जाएंगी। तो जो चार चेन है उन्हें आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर जब आप ये सिंगल क्रोशिए वाला राउंड बनाते हैं यहाँ पर तो कहीं पर आप एक छोड़ के यहाँ पर तीन बना दे बीच में, तो चार चेन आप यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लें शुरू में ही। किसी भी तरह आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 20 फ्लावर लगाऊंगी तो 20 के लिए 160 चेन चाहिए मेरे को। कहीं पर भी मैं यहाँ पर जैसे पांच चेन स्किप की हैं, यहाँ पर मैं चार करूंगी, फिर यहाँ पर जाकर चार करूंगी, फिर यहाँ पर जाकर चार चेन स्किप करूंगी, तो मेरी चेन कंप्लीट हो जाएंगी। तो राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, सारे फ्लावर लगा दिए। अब लास्ट फ्लावर हम यहाँ पर लगाकर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम ये दो पत्ती के सेंटर में एक बार मैंने सिंगल क्रोशिया किया, फिर दो बार, फिर तीन बार। पहले हमने चार बार किया था, अब हमने तीन बार किया है। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे जैसे हमने पहले किया है। उसके बाद हम दो बार और चेन लेंगे, एक और दो, दो चेन लेकर हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम दो चेन लेंगे, यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे, फिर एक चेन ले, एक चेन लेकर यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिए से। एक दो तीन चेन लिए मैंने, उसके बाद हमने एक चेन ली, एक दो तीन, एक दो तीन चार और पांच, पांच स्किप किए सिक्स्थ में, ये देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच मैंने स्किप किए सिक्स्थ में, इसे मिला लेंगे। एक और दो चेन लिए, यहाँ पे ज्वाइन किया, फिर दो चेन लिए, एक स्किप करेंगे नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद एक चेन ली हमने इस तरह से, तो ये दोनों साइड ज्वाइन हो गया। अब इस साइड भी इसे ज्वाइन करेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लिए हमने, उसके बाद हम एक चेन लेंगे। अब ये जो चीज है उसके साथ हम ज्वाइन करेंगे दूसरी साइड, ये दो पत्तियां नीचे की साइड हैं तो ये वाली पत्ती इसके साथ ज्वाइन होगी। यहां से इसे लेंगे, दो चेन लेंगे,
फिर दो चेन लेंगे, एक चेन ली, एक चेन लेकर यहां पर धागा काट देंगे। तो ये इस तरह बना। अब हम इसके आगे किनारी बनाएंगे इसकी। एक नॉट बना ली मैंने, देखिए ये दो इसकी पत्तियां नीचे ज्वाइन हुई हैं, ये इस साइड ज्वाइन हुई है, ये इस साइड, तो ऊपर दो हैं, तो दो के सेंटर में सिंगल क्रोशिए से मैंने इसे स्टार्ट किया। यहां पर सिंगल क्रोशिया बनाया, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस 11 12, 12 चेन ली। 12 चेन लेकर हम नेक्स्ट ये दो पत्ती के सेंटर में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11 12, 12 चेन लेकर फिर नेक्स्ट फ्लावर में हम सिंगल क्रोशिए के ऊपर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ये आएगा, राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड कंप्लीट हो गया। जब भी हम इस तरह की कोई राउंड चीज बनाते हैं तो हर राउंड बनाने के बाद आप इसे इस तरह से बिछा कर देखें, आपके थाल कवर में खिंचाव नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैंने ये देखे चेन बनाई तो मैंने इसे रख के देखा, अगर खिंचाव आए तो ये जरूरी नहीं है यहाँ 12 बनानी है, आप 13 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12, 12 चेन लेकर हम इसे ज्वाइन करेंगे। स्टार्ट में हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया है उसी की चेन में हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब हम इस चेन में क्रोशे वर्क करेंगे। तो ये हमारी पहली चेन है, ये देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशिया था, ये हमारी फर्स्ट चेन है। फर्स्ट चेन में हमने स्लिप स्टिच बनाया, ये देखिए फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर सेकंड चेन में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो इसके बाद हमने तीन चेन ली, तो हमने एक चेन में पहले में जो स्लिप स्टिच बनाया उसी को स्किप किया है। जो सेकंड चेन में स्लिप स्टिच बनाया उसकी जगह पर हमने ये तीन की चेन बना दी है, तो ये एक काउंट होगा स्लिप स्टिच आपका, एक स्टिच हमारा कम होगा। जैसे हमने यहाँ पर 12 चेन लिए हैं, दोनों साइड हमने एक इस साइड छोड़ दी, एक इस साइड चेन छोड़ देंगे, बीच वाले जो 10 स्टिच हैं, 10 चेन है, उसमें हम क्रोशे वर्क करेंगे। तो ये तीन की चेन आ गई हमारे सेकंड वाले स्लिप स्टिच के ऊपर। अब नेक्स्ट हमने इसे यहाँ से ऐसे नहीं उठाना सिंगल को, हम इसे ऐसे दो इसके धागे उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से ये डबल आता है इस तरह से यहाँ पर धागा। तो ये तीन हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट चेन में हम दो बार बनाएंगे, एक इसी जगह हमने बनाया तो ये दो हो गए, फिर नेक्स्ट में दो बार सेम प्लेस पर, फिर नेक्स्ट में दो बार सेम प्लेस पर, फिर नेक्स्ट में दो बार फिर हमने एक बार बनाना है, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में एक बार, और लास्ट चेन हम स्किप करेंगे जैसे हमने यहां पर स्किप की है स्लिप स्टिच बनाकर। तो ये इस तरह से आया, ये देखिए एक एक एक, फिर हमने यहां पर दो 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 और दो बनाए, उसके बाद फिर तीन, तो तीन इस साइड तीन इस साइड आए, बीच में हमने चार बार बनाया दो दो। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम, तो इस साइड की एक चेन स्किप करेंगे,
एक हमने इस साइड की चेन स्किप करनी है, सेंटर में सिंगल क्रोशिया है तो तीन यहाँ पर स्किप हो जाएंगे, एक इस साइड की, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर इस साइड की चेन करेंगे स्किप, फिर नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन में, ये तीन बार अलग अलग बनाया। अब हमने चार बार बनाना है दो दो डबल क्रोशिया सेम प्लेस पर, फिर से, फिर नेक्स्ट में दो बार सेम प्लेस पर, फिर नेक्स्ट में दो बार सेम प्लेस पर, फिर नेक्स्ट में दो बार सेम प्लेस पर। तो ये देखिए, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, तो चार बार हमने बना लिया दो दो। अब हमने एक बार बनाया, नेक्स्ट में एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाया। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, ये वाली एक चेन स्किप करेंगे, फिर सिंगल क्रोशे को स्किप करेंगे, फिर इस होल की हम ये चेन स्किप करेंगे फर्स्ट वाली, फिर सेकंड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनेगा ये तीन, उसके बाद एक दो तीन, चार बार हमने दो दो बनाया, फिर तीन अलग अलग राउंड को ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में। इसके बाद हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये तीन की चेन है इसे छोड़ देंगे, नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह से बैक पोस्ट करके हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये दो हो गए, दो से एक किया, एक चेन ली। अब हमने सब में बैक पोस्ट करना है, इसमें हमने बना लिया, फिर नेक्स्ट में बैक पोस्ट किया, दो बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। देखिए यहाँ पर तीन है, तीन इस साइड है, तो ये छह हो गए, बीच में ये आठ है, तो ये 14 है मेरे पास, 14। दो बार हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर चेन ली हमने, फिर चेन लेकर नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, ये तीन है, तीन से एक किया, इकट्ठे निकाल दिए, फिर हमने चेन ली, फिर नेक्स्ट को इस तरह से उठाएंगे, दो निकाल ले, फिर दो से एक किया, फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से डबल क्रोशिया किया, दो हमने सिंगल क्रोशिया किए, फिर हमने एक हाफ डबल क्रोशिया किया, दो बार हमने डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली। अब हमने दो बार ट्रिपल क्रोशिया करना है, तो दो बार हमने धागा लिया, ये चार हो गए, फर्स्ट टू निकाल दिए, फिर दो निकाल दिए, फिर दो, एक चेन ली, दो बार धागा लिया, इस तरह से एक चेन ली। अब हमने एक बार धागा लिया, यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली। अब यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, ये तीन है, तीनों को इकट्ठा निकाल दिया, एक चेन ली, नेक्स्ट को उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन ले, फिर नेक्स्ट को उठाएंगे सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह। तो ये इस तरह से आएगा हमारे पास पत्ती। दोनों साइड हमने दो दो बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक बार और एक बार हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर दो बार दोनों साइड हमने डबल क्रोशिया किया, और सेंटर में ये दो बार हमने ट्रिपल क्रोशिया किया। इसके बाद हमने ये लास्ट यहाँ पर छोड़ देना है, स्टार्ट में भी हमने एक छोड़ दिया है यहाँ पर जो तीन की चेन थी। इसी तरह से इस साइड भी हम स्टार्ट में एक छोड़ देंगे, नेक्स्ट को उठाएंगे ऐसे बैक साइड से और सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन ली, फिर नेक्स्ट को उठाकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, अब हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है तो धागा लिया, तीनों इकट्ठे निकाल दिए,
एक चेन ली, दो बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक धागा लिया, ये दो बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया, चेन ली, दो बार धागा लेंगे। अब यहाँ पर दो बार हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन ली, दो बार धागा लिया, फिर हमने एक चेन ली, दो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ पर। अब हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये एक डबल क्रोशिया मैंने बना लिया, ये चेन ली और ये सेकंड मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद फिर से चेन लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे धागा लेकर, तीन हो गए, तीनों को एक साथ निकाल दिया, एक चेन ली, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अब दो बार, फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में, उसके बाद ये लास्ट वाला छोड़ दिया, इस साइड इसका फर्स्ट वाला छोड़ देंगे और नेक्स्ट में हम फिर से उसी तरह से स्टार्ट करेंगे, सिंगल क्रोशिया, चेन। तो ये इस तरह से हमारी पत्ती बने। तो राउंड कंप्लीट हो गया, ज्वाइन करेंगे इसे। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया दो बार, फिर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ दिया है, और ये जो तीन की चेन है स्टार्ट किया था हमने, वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाना है, एक चेन लेकर धागा काटेंगे, एक नोट बना लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये दो ट्रिपल क्रोशिया हैं, ट्रिपल क्रोशिया के सेंटर में से स्टार्ट किए, सिंगल क्रोशिया बनाया, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन लिए इसी जगह, फिर से हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चेन लेंगे इसी जगह, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन चेन इसी जगह करेंगे सेम प्लेस पर, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, तीन चेन इसी जगह बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये इस तरह से आएगा, यहाँ पर हमने पांच चेन लिए थे, उसके बाद हमने तीन तीन चेन लिए, तो एक ये आया, उसके बाद तीन एक जैसे आए, उसके बाद हमने नेक्स्ट है, ये देखिए अब ये नेक्स्ट होल है, उसके बाद ये नेक्स्ट होल है, फिर ये सेंटर वाला है दोनों पत्तियों के। तो हमने नेक्स्ट में यहाँ से इस तरह से धागा लिया, ये दो हो गए, नेक्स्ट होल को इसके बाद छोड़ देंगे, फिर जो सेंटर वाला होल है यहाँ से भी इसी तरह से धागा लेंगे, फिर एक होल छोड़ देंगे नेक्स्ट में, इसी तरह से धागा लेंगे। तो ये चार हो गए, चारों को एक साथ निकाल देंगे, फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चेन लेंगे सेम प्लेस पर, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, एक दो तीन, फिर नेक्स्ट में दो तीन सेम प्लेस पर, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर ये पांच है, उसके बाद एक दो तीन आए हैं, इस तरफ भी एक दो तीन आए हैं, अब फिर से पांच आएंगे, एक दो तीन चार पांच, सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक दो तीन चेन लिए, सिंगल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट में, एक दो तीन चेन लिए, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया। देखिए यहाँ पर हमने पांच बनाए हैं, उसके बाद हमने एक दो तीन बनाने हैं, तो ये थर्ड वाला बनाएंगे तीन चेन लेकर सेम प्लेस पर। तो अब ये देखिए, ये बीच में पांच वाला है, एक दो तीन, और इस साइड पे एक दो तीन, उसके बाद हम ये वाले होल में इस तरह से बनाएंगे, दो हो गए, नेक्स्ट होल को छोड़ देंगे,
जो सेंटर वाला होल है उसमें भी इसी तरह से फिर नेक्स्ट होल को छोड़ देंगे, इस वाले को नेक्स्ट में बनाएंगे, तो ये चार हो गए, चारों को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट होल में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। तो इसके बाद फिर हम इसी तरह से पत्ती कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 5 बार बनाया है, उसके बाद 1 2 3 बना लिया हमने। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, एक स्किप करेंगे, ये सेंटर वाले में बनाएंगे इस तरह से, फिर हम एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये चार आ गए हमारे पास, ये चारों हमने निकाल दिए। उसके बाद आप एक इस तरह चेन लेकर इन सबको लॉक कर दें। फिर से देखिए, पहले हमने यहाँ पर लिया, फिर एक स्किप किया इस साइड वाला, और ये सेंटर वाले के बीच वाला होल ले लिया हमने, उसमें से ऐसे निकाल लिया। फिर नेक्स्ट हमने फर्स्ट स्किप किया सेकंड वाले को इस तरह से, ये चार हो गए, चारों में से हमने निकाल दिया। फिर एक बार धागा लेकर इस तरह से ये सारे स्टिच आप लॉक कर दें। उसके बाद हमने नेक्स्ट में ऐसे बनाना है, 1 2 3 चेन लिए, इसी जगह बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में किया सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। तो शुरू में हमने यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया लिया है उसकी चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेकर धागा काट देंगे। तो थाल कवर कंप्लीट हो गया। अब आप इसी तरह का एक फ्लावर बनाकर, यहाँ पर मैंने अभी मोती लगाना है, यहाँ सेंटर में लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहे तो लगा लें, नहीं तो रहने दें। और सबके हाथ का फर्क होता है, जैसे यहाँ पर मैंने, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने 1 2 3 4 5 चेन स्किप की है, फिर 6th चेन में मैंने इसे ज्वाइन किया है। तो अगर आपका ये राउंड खींचा खींचा आता है, जैसे ये जो फुलार वाला राउंड है, अगर आपका ये खींचा खींचा आए, इसमें खिंचाव आए, तो आप ये 4 चेन स्किप करें और फिर फुलार को ज्वाइन करें। जरूरी नहीं है आपने 5 चेन स्किप करके ही इसे ज्वाइन करना है, आप 4 चेन डालकर छोड़कर फिर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो धागे हैं इन्हें आप रॉन्ग साइड एडजस्ट कर लें। तो आशा करती हूँ ये थाल पोश आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।